टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा ट्रैफिक विभाग ने आज ऑटो रिक्शा और बाइक सवारों पर कार्रवाई की है। बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के जो बाइक सवार चल रहे थे उन पर कार्रवाई की गई है और ऑटो रिक्शा में जो बिना लाइसेंस बिना यूनिफॉर्म बैच के थे इन पर भी कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक विभाग के देसाई ने बताया कि नियमों का लोग पालन नहीं कर रहे हैं और चालान करने पर लाइसेंस पूछने पर कई लोग झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आज कई वाहनों पर कार्रवाई करने के बाद ट्रैफिक विभाग के देसाई ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। 12 मोटरसाइकिल है, ऑनलाइन फाइन है, हेलमेट वाला भाग जाते हैं, रुकाए तो गाली देते हैं। रिक्शा वाले को ड्रेस बोले तो हम ड्रेस पहनते बोलते हैं, ओवर सीट लेते हैं, उसको फाइन मारा तो भी गाली देते हैं। हम बोले क्या करेगा, हमारा पेट कैसा भरेगा, ऐसा रिक्शा उल्टा सुलटा बात करते, लाइसेंस नहीं किसके पास। और रिक्शा एक जमा किया उसका टीआर लाइसेंस खत्म है, वो भी जमा करके ऑफिस में दिए लाए। टू व्हीलर 8-10 खड़ी है, हेलमेट वाले का फाइन मारा है। हेलमेट वाले का कम से कम 60-50 केस होता ही होता है हर दिन, लेकिन बोलते मुंब्रा में हमको माफ है, हेलमेट पहनने को अलाउड नहीं बोलता है। आज ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? हर दिन दिन भर वो चालू ही रहता है। हेलमेट का तो 100% कार्रवाई होता है, बिगर ड्रेस वाले का होता है, ओवर सीट का होता है, जो गाड़ी रश ड्राइविंग करता है वो भी भाग जाते हैं। रोज होती है कार्रवाई। अभी तो 10 हो गए कम से कम इधर नाकाबंदी में, और वो सुबह से वो ऑनलाइन का फाइन आई सबके गाड़ी पर, हेलमेट का बाईपास पे बोलो, अपना कालशेखर हॉस्पिटल बोलो, ये गांव में अंदर मारेगा बोलता हम इधर रहने वाला, इधर हेलमेट अलाउट है बोलता है, हेलमेट पहनने का जरूरत नहीं बोलता है, लोकल है हम, ऐसे इधर के बोलता है, ज़्यादा बात करेगा तो गाली देते हैं। लाइसेंस का फाइन 500 रुपये है। अच्छा, रिक्शा वाले जो पकड़े हैं उनका क्या हेलमेट नहीं, रिक्शा जो ड्रेस नहीं पहना है इसलिए उसको पकड़ा है, उसका जो लाइसेंस है लाइसेंस खत्म है 2020 में, तो उसका रिक्शा जमा करके ऑफिस में उसका लाइसेंस जमा किया है।